aspirants, my professional colleagues, this is CS Priyanka. I warmly welcome you all to my platform, Debit Guru. So, I really hope that you all are doing great. So, today, a quick revision on this chapter, which is legible on your screen, that is appointment and remuneration of managerial personnel. So guys, this chapter is really very critical when you are appearing for your professional exams like CA, CS or CMA, or whether you are appearing for any PSU level exam. Basically, in corporate law, that is company law, you people are asked 20 to 25 questions are asked from law. Okay, from there, at least 15 questions you will get from company law. Whether you are appearing for any PSU exam, that is Power Grid or any other exams. So, this chapter is really very critical, although many questions are not asked from this chapter because accounts, definition portion, the introductory level of the Companies Act really becomes important for your PSU level. But you people also get questions from this chapter as well. So we don't need to leave any chapter. This is a very simple chapter, although it's very difficult to retain. In this session, we will learn how to retain the provisions and where from you people can get questions. That also I'm going to highlight it. So keep watching till the end of this video. So without wasting a single moment, let's begin with the revisionary class. So guys, this chapter, that is chapter 13 of the Companies Act with Schedule 5 deals with this chapter, that is appointment and remuneration of managerial person. Okay. This question you can get in your PSU level exam. ठीक है, उसके बाद फिर कौन से सेक्शन से कौन सा सेक्शन गवर्न करता है मैनेजेरियल रेमुनरेशन के अपॉइंटमेंट या रेमुनरेशन से रिलेटेड, दैट इज 196 to 205. ओके मैम, अब आप कहीं भी अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, राइट? आपको एक कंसिडरेशन मिलता है, आपको एक रिवॉर्ड मिलता है for that service, for those service which you have provided, that is known as remuneration. तो अगर managerial personnel जो कि MD होते हैं, WTD होते हैं, manager, अब ये manager जो होते हैं departmental manager नहीं होते हैं, these are top level managers like general managers. तो इन लोग, ये लोग जो अपनी company को service provide करते हैं उसके बदले में इन लोगों को managerial remuneration मिलता है. अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो मैनेजेरियल पर्सनल का है, सेक्शन 196 डील करता है उससे. इसके अंदर में बोला गया है कि अगर एक कंपनी एमडी अपॉइंट करती है तो उसको मैनेजर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर एक कंपनी, या तो आप एमडी अपॉइंट करो, बेसिकली कहने का ये मतलब है एमडी अपॉइंट करो या मैनेजर अपॉइंट करो. तो हम जब इसको लर्न करते थे तो हम इस तरह से लर्न करते थे कि दो बंदर एक ही जगह पर, एक ही वक्त पर एक जगह नहीं बैठ सकते. तो बंदर कौन से हो गए? अपने एमडी साहब हो गए और अपने मैनेजर साहब हो गए. कौन से मैनेजर साहब हो गए? जो टॉप लेवल वाले, जनरल जो मैनेजर, अब परचेज, सेल्स मैनेजर, हजारों मैनेजर होते हैं कंपनीज, तो वो सारे मैनेजर्स ये मैनेजेरियल पर्सनल के अंडर में नहीं आते. ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं कितने साल तक इनको अपॉइंट कर सकते हैं. मैक्सिमम अपन 5 साल तक अपॉइंट कर सकते हैं, अपना इनको रीअपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं. 5 साल तक तो हमने अपॉइंट करते, यहाँ कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है, अपन रीअपॉइंट कर सकते हैं. कब रीअपॉइंट करेंगे? जब 4 साल बीत गए हों इनके, या फिर हमने इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया था, इनके 2 साल बीत गए हों, तो उस केस में अपन को 1 साल पहले ही इनके रीअपॉइंटमेंट के बारे में अपने बोर्ड मीटिंग में चर्चा करनी पड़ेगी. ये एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनी को, ज़्यादा भी रख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद एलिजिबल कौन होते हैं एमपी बनने के लिए? एलिजिबल कौन बंदे होते हैं? एलिजिबल भाई, आपकी उम्र 21 होनी चाहिए, 69 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम. मिनिमम आपकी उम्र 21 होनी चाहिए. भाई आप बोलोगे मैं 20 साल का हूँ या मैं 20 साल की हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको 21 ईयर्स का एज होना चाहिए और 69. आप 70 साल के बुढ़े हो चुके हो, अब क्या करोगे यार आप एमपी बन के? हम जैसे यंगस्टर को मौका तो दो, फिर भी नहीं, आप तो जिद कर लिए, नहीं हमें तो बनना है, हमें तो बनना है, तो ठीक है बन जाओ.
70 साल के बुढ़े भी एमपी बन सकते हैं, दैट इज मैनेजरियल पर्सनल बन सकते हैं, अगर शेयर होल्डर मीटिंग में, जनरल मीटिंग में, कोई भी ईजीएम हो चाहे एजीएम हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया हो, 75% वोट जो है उसके फेवर में आ गए हो, और ओआरएनजी या फिर मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ, यानी 75% आपके मेंबर्स लोगों ने 75% मेंबर्स लोगों ने हाँ कर दिया है, प्लस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल चुकी है। अच्छा, ऐसे इंसान कभी नहीं बन सकते एमपी जो कि इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट रहे हो कभी भी, और उनको एडजुडिकेशन भी मिल चुका हो, कोर्ट ने बोल दिया गया है, कोर्ट ने बोला है कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ठीक है, कभी भी जेल नहीं गए हो 6 महीने से ऊपर। अच्छे आदमी को ही एमपी बनाया जाता है भाई, ऐसे ऐसे को एमपी नहीं बना सकते हो आप, ऐसे जेलर और कैदियों को मतलब थोड़ी एमपी बना सकते हो। टॉप लेवल मैनेजेरियल पर्सनल कौन होता है, टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनको बोलते हैं मैनेजेरियल पर्सनल। कभी भी कन्विक्शन नहीं हुआ हो उनका, जेल नहीं गए हो ग्रेटर देन 5 मंथ्स फॉर एन इकोनॉमिक ऑफेंस, जो कि हम शेड्यूल 5 के अंदर में पढ़ते हैं, वहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इकोनॉमिक ऑफेंस, यानी कौन कौन से एक्ट में उन्होंने ऑफेंस किया है, मतलब शैतानी की है, क्राइम किया है, तो वो चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं। या फिर किसी क्रेडिटर का पैसा इन लोगों ने मारा हो, क्रेडिटर का पैसा भैया मारा हो, या फिर अपने सेटलमेंट, क्रेडिटर का पैसा मार के बोलते चलो हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं आपसे, आपका ड्यू है, आपको तो वैसे भी नहीं मिलने हैं, हम आपको 25,000 देकर के सल्टा देते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम मतलब सेटलमेंट, ठीक है। अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे कराएंगे हम लोग, हम एक कंपनी की तरफ से सोचते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट हम कैसे कराएंगे, बोर्ड मीटिंग में, हम लोग बीआरएड बीएम सबसे पहले बोर्ड के अप्रूवल ले लेंगे, भैया हम इनको अपॉइंट कराना चाहते हैं, बोर्ड जो बोले चलिए पापा जी जो है हमारे वो बोर्ड है, और जो दादाजी लोग हैं वो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, मतलब मेंबर्स हैं, इस तरह से याद रखना, बोर्ड की पापा जी की तो हाँ मिल गई, अब हमें दादाजी की भी हाँ चाहिए होगी, तो कंडीशनल अपॉइंटमेंट रहता है ये एक तरह का, कि कंडीशनल इसके रेजोल्यूशन में हम लोग ये लिखते हैं कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग, जो आने वाली फोर्थ कमिंग जनरल मीटिंग जो है उनमें अप्रूवल जब मिल जाएगा, तो पापा जी की अप्रूवल मिल गई, यानी बोर्ड बोर्ड वालों की अप्रूवल मिल गई, उसके बाद हम बात करेंगे दादाजी लोगों की, दादाजी की अप्रूवल में हम लोग क्या पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का कंसेप्ट है, यानी 50% हमें वोट मिला हो। ये टर्म्स एंड कंडीशन जो ये लोग ड्राफ्ट करते हैं, जो शादियों की बात चलती है आप लोगों की, तो ये लोग डिसाइड करते हैं, बट अप्रूव तो भैया यही लोग करते हैं, इन्हीं के हाथ में सब कुछ है, तो ये अप्रूव करते हैं उस चीज़ को। उसके बाद में अगर आप स्केड्यूल 5 के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो, पार्ट 1 जो है स्केड्यूल 5 का, उसको नहीं करते हो, तो आपको और दादाजी की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और विद इन 60 days ऑफ द अपॉइंटमेंट, इनका अपॉइंटमेंट जैसे ही हो जाता है, यानी यहाँ से आपको जमा देना पड़ेगा MR1। क्या MR1? ये एक फॉर्म होता है ROC का, ये आपको क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है PSU में, कितने दिन, हाउ मेनी डेज, कितने दिन के अंदर में, और कौन से फॉर्म के अंदर में रेमुनरेशन, मतलब कौन से फॉर्म के अंदर में आप रेमुनरेशन का जो अपॉइंट, इनका अपॉइंटमेंट जो है, नॉट रेमुनरेशन, इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रूव कराते हो ROC को, ठीक है, कितने दिन के अंदर में, कौन सा फॉर्म नंबर है, और किसका किसका अप्रूवल लगता है, ये तीनों का अप्रूवल लगता है, पापा जी, दादाजी और पर दादाजी का। आई गेस समझ में आ गया होगा सबको, तो चलिए नीचे चलते हैं। अब अगर ये बोल रहे हैं कि अगर अपॉइंटमेंट, ऊपर में मैंने बता दिया है, अगर अप्रूव नहीं हुआ जनरल मीटिंग में, ठीक है, देन एनी एक्ट, सपोज करो पापा जी ने तो परमिशन दे दी बट दादाजी ने परमिशन नहीं दी, तो उस केस में क्या होता है, आपने तो मतलब यहाँ से रिश्ता तो बनाना शुरू कर ही दिया था, अब जनरल मीटिंग जब होगी सब होगी, अब बीच में आपको 6 महीने का गैप था इस दौरान, तो दादाजी ने बोला नहीं, हमें नहीं पसंद है ये चीज़, हम नहीं अपॉइंट कराएंगे, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्ट जो MP इस दौरान अगर कोई भी एक्ट करता है तो वो उसके लिए प्रॉपरली लायबल होगा, वो जितने दिन तक रहा है उसके लिए वो लायबल होगा। ऐसा नहीं है, कई बार कंपनियां क्या करती है ना, इसी के अंदर में आके छूट जाती है, क्या करती है,
बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल करा लेती है, गंदे गंदे काम कर लेती है बीच दौरान में, और जनरल मीटिंग में उसका अप्रूवल नहीं कराती है शेयर होल्डर से। तो उस दौरान वो जो बंदा है वो तो बच के निकल गया, नहीं बट एक्ट बोलता तुमको नहीं जाने देंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है, अब आते हैं स्केड्यूल 5 जो कि कंडीशंस बताता है मैनेजेरियल पर्सनल के अपॉइंटमेंट का, जो ऑलरेडी एक्ट में भी लिखा हुआ है 196 के अंदर, ये सेम है। उसके बाद में कहीं भी डिटेन हुआ हो फॉर एनी पीरियड, यहाँ पर ये बोला है देखिए रेसिडेंट होने चाहिए, आप फॉरेनर को लाकर एलेक्स को नहीं बना सकते हो कि भैया एलेक्स आ जाओ तुम हमारे मैनेजेरियल पर्सन, नो यू कांट। स्केड्यूल 5 में प्रॉपरली मेंशन है डिटेन फॉर एनी पीरियड अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेक्स एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। अब ऐसा फॉरेक्स वॉरेक्स का काम, स्मगलिंग वगलिंग करते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, ठीक है, कभी एक एक दिन भी आपको ये डिपार्टमेंट फॉरेक्स का आप स्मगलिंग के अंदर में पकड़े गए, एक दिन भी, एक दिन सिंगल डे भी आप डिटेन रहे, तो उस केस में भी आप मैनेजेरियल पर्सनल नहीं बन सकते हो। ये इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए जो कि मैंने आपको पहले बोला है, और ऑफेंस का जो अमाउंट है 1000 से ज़्यादा का हुआ है आपका, तो उस केस में। अब इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होता है, ये मैंने बहुत सारे एक्ट्स का एकदम डिस्क्लोजर दे दिया है। इकोनॉमिक्स ऑफेंस इसी एक्ट के दौरान अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो उसको इकोनॉमिक ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा। कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये सारे सिलेबस हैं यार, CACS फाइनल के सिलेबस है, देख लो, कंपटीशन एक्ट, कस्टम एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, GST एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, IBC कोड, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, SEBI एक्ट, FEMA एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट, ये एक बार गौर कर लेना, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एसेंशियल कमोडिटीज, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट। अब बोल रहे हैं कि अगर CG ने अप्रूवल ग्रांट कर दिया, लाइक इफ CG हैज ग्रांटेड अप्रूवल टू अ पर्सन गिल्टी अंडर एनी ऑफ द CG ने, आपने इस एक्ट के अंदर में मतलब कुछ गलत वलत किया है, फिर भी CG ने बोला चलो हम तुम्हारी गिल्टी को मतलब नज़रअंदाज करते हैं, तो उस केस में सेपरेट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रेसिडेंट किसको बोलते हैं, जो कि हमने देखा है कि रेसिडेंट ऊपर में बोला गया था ना कि आप रेसिडेंट को ही मैनेजेरियल पर्सनल बना सकते हो। रेसिडेंट बंदा कौन सा हो गया, ये वो इनकम टैक्स वाला नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो इंडिया में रहा हो फॉर अ कंटिन्यूस बीच में कोई गैपिंग नहीं हुई, कंटिन्यूस 12 months इमीडिएटली प्रिसीडिंग इज अपॉइंटमेंट, और वो इंडिया आया हो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, बिजनेस और वोकेशन के लिए, जो कि हम लोगों ने फेमा में भी पढ़ा है, वेबू के लिए मेरी एक फेमा की नोट है वेबू के लिए, इसके अंदर में आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट वोकेशन बिजनेस, ठीक है, इसके लिए वो आया हो। ये अनसर्टेन पीरियड है जो कि यहाँ पर नहीं है, फेमा में अनसर्टेन पीरियड था, तो यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है। अब आते हैं सेक्शन 197 के अंदर में, ठीक है, जो मैनेजेरियल रेमुनरेशन है ये एप्लीकेबल नहीं है प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, IFSC पब्लिक कंपनीज के लिए, ओके मैम, ये पूछा जा सकता है कई बार एग्जाम में। और सेक्शन 197 क्या चीज़ के बारे में डील करता है, दैट इज़ बेसिकली मैनेजेरियल रेमुनरेशन। 196 डील करता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, स्केड्यूल 5 पूरा बेस रख करके इसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, मैनेजेरियल रेमुनरेशन से रिलेटेड स्केड्यूल 5 डील करता है, ठीक है। अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के केसेस में हम लोग मैक्सिमम रेमुनरेशन एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव को, दोनों को ही मैक्सिमम रेमुनरेशन 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है। अगर रेमुनरेशन मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, MD WTD मैनेजर को, सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, और इंडिविजुअल जो लिमिट है यानी एक को, आपके सपोज करो WTD 3 है तो एक को आप 5% दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद कंपनी का अगर कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, ठीक है मैम, तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम रेमुनरेशन नॉन एग्जीक्यूटिव को आप 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट दे सकते हो, ठीक है। अगर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो मैक्सिमम रेमुनरेशन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कितना दे सकते हो, 1% ऑफ द प्रॉफिट दे सकते हो, टोटल जो रेमुनरेशन होगा आपका 11% होगा। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है को रेमुनरेशन आप देना चाहते हो तो
तो उस केस में आप 10% दे सकते हो मैक्सिमम, इंडिविजुअली 5% दे सकते हो, कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव को कितना देना है 3% दे सकते हो, अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो मैक्सिमम रेमुनरेशन नॉन एग्जीक्यूटिव को कितना देंगे 1% देंगे, यानी आपके एग्जीक्यूटिव है तो नॉन एग्जीक्यूटिव का रेमुनरेशन घट के 3 से 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 से 1 हो जाएगा, ठीक है मैम। अब मैनेजेरियल रेमुनरेशन को जो है हम एक्सीड कर सकते हैं अगर 50% हाँ मिल जाए हमारे दादाजी की, और इंडिविजुअल लिमिट ऑफ मैनेजेरियल रेमुनरेशन, इंडिविजुअल लिमिट जो ये 5% की जो इंडिविजुअल लिमिट थी वो भी पास कर सकते हैं, लेकिन SRN GM से पास कर सकते हैं, ठीक है, यानी 75% हाँ मिल जाए दादाजी के, ठीक है। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन लोगों का पेमेंट, इन लोगों का पैसा मारा हो, ठीक है, तो NCDs मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर्स, ठीक है, उनका पैसा मारा हो तो इन लोगों का भी अप्रूवल का रिक्वायरमेंट है बिफोर इंक्रीजिंग द मैनेजेरियल रेमुनरेशन। ये लोग बोलेंगे भैया तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, तुम हमें देने के लिए तो पैसा नहीं था तुम्हारे पास में, अब तुम्हारे पास पैसा आ गया है मैनेजेरियल रेमुनरेशन देने के लिए, कहाँ से आया? तो इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट भी बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सेस मैनेजेरियल रेमुनरेशन पेमेंट करती है कंपनी विदाउट नेसेसरी अप्रूवल्स, देन इट शैल हैव टू बी रिफंडेड बैक। अगर नेसेसरी अप्रूवल्स नहीं ली, दादाजियों की अप्रूवल नहीं ली, ORN GM, ठीक है, SRN GM नहीं ली, तो दो साल के अंदर अंदर आपको रिफंड बैक करना पड़ेगा मैनेजेरियल पर्सनल को, वो जो एक्सेस पेमेंट जो उनको मिला है वो रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेस पेमेंट रिफंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो SRN GM पास करके वेव ऑफ कर सकती है रिफंड को, और या फिर इन लोगों की, अगर आप लोगों ने इन लोगों से लोन लिया है तो इसका इनसे अप्रूवल लेकर के भी वेव ऑफ कर सकती है। मैनेजेरियल रेमुनरेशन कैसे दे सकते हैं, आर्टिकल मेंशन करता है, ठीक है, बाई ORN GM, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराते हैं हम लोग, उससे हम लोग डील कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आर्टिकल्स के अंदर में लिखा हुआ है कि आप मैनेजेरियल रेमुनरेशन सिर्फ 75% से करवा सकते हो, तो आपको SRN GM पास कराना पड़ेगा, ठीक है, ओके मैम। तो इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज रेंडर्ड इन एनी अदर कैपेसिटी, आप मैनेजेरियल पर्सनल हो, ठीक है, आप कर रहे हो ऑडिटिंग सर्विसेज, क्या कर रहे हो, आप दे रहे हो ऑडिटिंग सर्विसेज, तो या फिर गारंटी कमीशन दे रहे हो आप अपने, मतलब इन द ओपिनियन ऑफ NRC और डायरेक्टर, अगर आप ऐसा प्रोफेशनल नेचर का अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उस केसेस में वो मैनेजेरियल रेमुनरेशन के अंदर में इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है मैम। अब ये एक बार देख लेना, वैसे तो PSU एग्जाम में इतने क्वेश्चन, इसके अंदर से क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, ये डेट टाइम सेक्शन नंबर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट फिर भी एक बार नज़र घुमा लेना कि ये Schedule 5 बोलता है, Schedule 5 का जो Part 2 है वो मैनेजेरियल रेमुनरेशन, अगर आपका लॉस हुआ है कंपनी में या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुई है आपकी कंपनी में, तो उस केसेस में जो इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना आप मतलब दे सकते हो, तो यहाँ पर ये लिमिट वगैरह दिए हुए हैं, आप एक बार देख सकते हो उसको, वैसे ये आता नहीं है बट CA CS के लिए ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि केस स्टडीज इससे फॉर्म होते हैं, ठीक है मैम। इससे अबव भी अपन दे सकते हैं, लेकिन आपके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुए, लॉस हुई है कंपनी में, तो क्या आपको मैनेजेरियल रेमुनरेशन देना पड़ेगा, तो क्या आपके फ्री में थोड़ी करके जाएंगे कोई काम, तो आप दे सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा अगर देना चाहो, ये लिमिट दी हुई है, इतनी लिमिट के अंदर में आपको देना पड़ेगा, अगर आप इससे ज़्यादा देना चाहो, अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल जो है नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़ रुपीज़ है, इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन मैं दिखाने वाली हूँ नीचे, तो SRN GM पास करके कैन बी पेड इन एक्सेस ऑफ द अबव लिमिट, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो को आज यहीं स्टॉप करते हैं, वी विल हैव अ फ्रेश डिस्कशन इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आपको देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और जो लोग PSU के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, जिनको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, वो डेफिनेटली डेबिट गुरु ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है आप चैट ऑप्शन में हमें
मैसेज कर सकते हो, मेरी टेलीग्राम आईडी आपके पास में है, आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो। और अच्छे से पढ़िए, अपने मदर फादर का नाम रोशन करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।